फरीदाबाद से ये बड़ी जानकारी सामने। स्कूल वैन में आग से हड़कंप का माहौल देखा गया है। हादसे के वक्त वैन में छात्र सवार थे। तो बाल बाल बची है जान छात्रों की, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। स्कूल वैन में आग लगी है, ड्राइवरों ने छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। वही दूसरी वैन से छात्रों को स्कूल पहुंचाया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी फरीदाबाद से सामने, जहां पर स्कूल वैन में आग लगने की घटना सामने आई है। हादसे के वक्त वैन में छात्र सवार। और ये तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर स्कूली वैन में आग लग गई है और यहाँ पर छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दूसरी वैन से छात्रों को स्कूल पहुंचाया गया है। फरीदाबाद से ये पूरा मामला पेश आया है। फरीदाबाद से जानकारी सामने, स्कूल वैन में आग लगने की घटना सामने आई। हादसे के वक्त छात्र वैन में सवार थे। बाल बाल ड्राइवर और छात्रों की जान बची है। शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़े। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे, स्कूल वैन में आग लगने की यह घटना सामने आई है, क्या कुछ पूरी जानकारी फिलहाल सामने? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, मामला फरीदाबाद के आईएमटी क्षेत्र का है, जहां पर सुबह बच्चों को लेकर वैन जो है वो स्कूल जा रही थी और तभी जो है वैन से जो है वो धुआं उठना शुरू हो गया और जैसे ड्राइवर ने देखा तो जो है वो जो गाड़ी का जो अगला हिस्सा है वहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते जो है वो कहीं ना कहीं वैन में जो है वो आग लग गई। हालांकि समय रहते ही ड्राइवर ने जो है पांचों बच्चों को जो है वो वैन से बाहर निकाल दिया और पानी से जो है वो कहीं ना कहीं आग पर काबू पाया गया। फिलहाल जो है कहीं ना कहीं जो है बच्चे सुरक्षित हैं और क्योंकि ड्राइवर ने जो है वो मौके पर ही जो है वो आग पर काबू जो है वो पानी से बुझाकर आग पर काबू पा लिया था। जी मुकेश, क्या शॉर्ट सर्किट ही कारण बताया जा रहा है, क्या कुछ और भी जानकारी सामने मिल पा रही है? देखिए, अभी तक जो जो प्रथम जो जानकारी है, क्योंकि मौके पर सूचना के बाद पुलिस भी पहुंची थी तो पुलिस ने भी जो है वो कहीं ना कहीं जानकारी यही बताई है कि शॉर्ट सर्किट के चलते जो है वो गाड़ी में आग लगी थी और कहीं ना कहीं जो है वो समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता था। इससे पहले ही जो है वो ड्राइवर ने बच्चों को भी, क्योंकि सुबह जो है वो बच्चों को लेकर स्कूल जो है वो वैन जा रही थी और आईएमटी क्षेत्र में जैसे वो पहुंची तो वहां पर जो है वो अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ जिसके चलते जो है वो गाड़ी में आग लगना शुरू हो गया। हालांकि समय रहते ही गाड़ी में जो है वो पानी जो रखा हुआ था उसके चलते जो है वो आग पर काबू जो है वो ड्राइवर ने पा लिया था। जी, तो बहुत शुक्रिया मुकेश राजपूत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबर ये कि स्कूल वैन में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, ड्राइवरों ने छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, दूसरी वैन से छात्रों को स्कूल भी पहुंचा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी फरीदाबाद से सामने, जहां पर स्कूल वैन में आग लगने की घटना सामने आई। ड्राइवर और छात्रों की जान बाल बाल बची। वही शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी। फरीदाबाद से ये पूरी घटना देखने को मिली है। ड्राइवर ने छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला है और दूसरी वैन से छात्रों को स्कूल पहुंचाया गया। हालांकि किसी के भी जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। यहां पर गाड़ी को जरूर नुकसान पहुंचा लेकिन छात्रों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। छात्रों को सुरक्षित दूसरी वैन से स्कूल पहुंचा दिया गया था। तो ये फरीदाबाद की पूरी घटना है, पूरी घटना ये पेश आई है, तस्वीर भी आपके सामने है किस तरह से स्कूली वैन में यहाँ पर आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। हालांकि इस पूरे मामले में इस बच्चों को जिसमें इस वैन से बाहर निकाला गया है सुरक्षित स्कूल पहुंचाया गया है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में, इस पूरे हादसे में किसी हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिल पाई। दूसरी वैन से छात्रों को स्कूल पहुंचाया गया। फरीदाबाद से ये पूरी घटना सामने आई।